आदर्श अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की प्रांतीय बैठक लखनऊ स्थित दारूशफा के कॉमन हॉल में प्रदेश अध्यक्ष चतुर्भुज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व में संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना में कार्यरत रहे अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के समायोजन हेतु 2016 से 2022 तक योजित याचिकाओं एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रदेश सरकार को योग्यता एवं पात्रता के अनुसार राज्य के किसी भी विभाग में एब्जॉर्ब करने के नियमित वेतन भुगतान करने के आदेश के संबंध में चर्चा। 2016 में पर्यवेक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय में एक अपील किया था कि अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों पर्यवेक्षकों को शिक्षा मित्र बनाया गया, उसमें कार्यरत और लोगों को कहीं डायट में अध्यापक बना दिया गया, कहीं कहीं उनको समायुक्त किया गया, लेकिन उसमें से कुछ लोग बच गए थे। जो बचे हुए लोग थे उनको सरकार ने कहीं समायोजित नहीं किया। इस संदर्भ में हम लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में 21 अप्रैल 2022 को एक आदेश पारित किया है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को उसने स्पष्ट निर्देश दिया है 2001 से 22 तक करीबन 20-22 वर्षों तक ये लोग अपनी लड़ाई को लड़े हैं जो न्याय संगत है। तो यदि और लोगों को समायोजित किया गया तो इनको भी समायोजित किया जाना न्याय संगत है। लिहाजा सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इतने ज्यादा संख्या में लोगों को समायोजित किया जाना, पद का सृजित किया जाना संभव नहीं है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि आपके जिस भी विभाग में, उन्होंने केवल शिक्षा विभाग का चित्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि जिस भी विभाग में इनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप जो भी पद रिक्त हो उनको उसमें समायोजित करें। सरकार ने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है, 6 महीने का कार्यकाल अभी कुछ दिन के बाद अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बीच सरकार ने अब तक न तो कोई शासनादेश जारी किया और न ही आगे के संदर्भ में कोई पहल किया है। केवल वार्ताओं का दौर चल रहा है, कभी डायरेक्टर बुलाते हैं, कभी सचिव बुलाते हैं, कभी कोई बुलाता है, कोई अधिकारी बैठ करके केवल बात कर रहा है। अभी क्या उम्मीद लग रही है? देखिए हमें इस सरकार के माननीय योगी जी से भी हम की मुलाकात 30 मई को गोरखपुर के मठ पे हुई थी, उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि हम इस संदर्भ में अधिकारियों से वार्ता कर करके जो भी न्याय संगत निर्णय होगा निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी उस पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। हम उस पहल का इंतजार कर रहे हैं, यदि सरकार हम लोगों के साथ न्याय करेगी तो स्वागत है, और नहीं तो फिर हमें और भी कोर्ट के रास्ते। कितनी संख्या में है आज की तिथि में? हमको नियर अबाउट 15,000 की संख्या है, करीब करीब पूरे प्रदेश में 15,000 की संख्या लोग बचे हुए हैं जो समायोजन के कगार पे हैं। अगर सरकार किसी कारण से आपकी मांग को पूरा नहीं कर पाती है तो आप क्या करेंगे? कोर्ट अवमानना की नोटिस होगी ना, तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश के अनुपालन नहीं होगा तो फिर हम अवमानना की नोटिस जारी कराएंगे कोर्ट से। यह तो कोर्ट का अवमानना हुआ ना, कोर्ट के आदेश का अवमानना होगा। मीडिया से बात करने के लिए चैनल देशभर न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।